नमस्कार, मैं चंद्रकांत कोटेचा आज फिर से आपके सामने पेश हूँ राग भोपाली की एक नई लेकिन पारंपरिक बंदिश लेकर। ये बंदिश आपने बहुत कम सुनी होगी लेकिन बहुत ही बढ़िया बंदिश है भोपाली की। इसके पहले मैंने एक स्वरमालिका की नोटेशन आपके सामने पेश की थी, लेकिन इस बार एक गीत है, बंदिश है, जो कि शब्दों के साथ है, मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो इसकी नोटेशन एक एक लाइन आपके सामने गा के और बजा के सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले ये पूरी बंदिश कैसे बजती है फ्लूट पे तो कैसे लगती है ये हम देखेंगे। आपके सामने लिख के भी रख रहा हूं। इसको गाने के लिए मैंने स्वर सिलेक्ट किया है काली पांच, यानी ए शार्प या बी फ्लैट। बी फ्लैट स्वर में ये गाने के लिए इजी रहेगा, उसका स्वर बहुत ऊंचा जाता है, मैं बहुत ऊंचा नहीं गा सकता हूं। इसके लिए आपके सामने काली पांच में मैं ये बंदिश एक एक लाइन नोटेशन के साथ पेश कर रहा हूं। तो इसकी इसके शब्द है, मैं पूरी शब्दों आपके सामने गा के सुनाता हूँ। जब से तुम सनम लागली, जब से तुम सनम लागली, प्रीतन वेली प्यारे बलमा मोरी। जब से तुम सनम लागली, जब से जो ने नन ना देखूं तोरे, जो ने नन ना देखूं तोरे, कल ना परत मोहे चर्चा करे सब से लरिया। जब से तुम सनम लागली, जब से तुम सनम, जब से तो अभी इसकी पहली लाइन कैसे गाते हैं देखिए। जब से तुम सनम लागली, गरे गरे सारे सा सा द सारे ग, गरे गरे सारे सा सा द सारे ग।
प्रीत नवेली प्यारे बलमा मोरी जब से तुम से प्रीत नवेली पग प प द प ग प द स प द स द प ग रे जब से तुम सन प्रीत नवेली ग प ग प प द प प्यारे बल मा ग प द स आ मोरी प द स द प ग रे। ये जरा स्पीड में है, एक एक बीट में दो दो स्वर है, ये देख लीजिए। प्यारे बल मा मोरी ग प द सा प द सा द ब ग रे ग रे ग रे सा रे सा सा द सा रे ग। अंतरा सम से शुरू होता है, तो पहली लाइन आधी गा के फिर अंतरा शुरू करना है। ग रे ग रे सा रे सा सा जब से तुम सन जो ने नन ना देखूं तो रे ग ग प प सा द सा 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 रे सा ग ग प प सा द सा 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 रे सा। सारे गारे सा सा पद सा द प ग रे ग प सारे गारे सा सा पद सा द प ग रे ग प। सैलरिया पद सा पद सा द प ग रे सैलरिया पद सा पद सा द प ग रे जब से तुम सन ग रे ग रे सा रे सा सा। पूरा अंतरा इस तरह से गाया जाता है। जो ने नन ना देखूं तो रे कलना परत मोहे चर्चा करे सब से लरिया जो ने नन ना ग ग प प सा द सा 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 रे सा सा रे ग रे सा सा प द सा प द ग रे ग प द सा ध प ग रे ग रे ग रे सा रे सा 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 रे ग ग रे ग रे सा रे सा सा द सा रे ग। तो इस तरह से ये पूरी बंदिश एक एक लाइन आप 10-20 बार बजाएंगे तो आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत स्वीट बंदिश है और बहुत इजी है सीखने वालों के लिए, बहुत इजी है। काली पांच स्वर में मैंने गाई बजाई है। अगर आपके पास काली पांच की फ्लूट है तो इसके साथ ही लेके बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप कोई भी फ्लूट इसको पहले सुनने के बाद कोई भी फ्लूट के साथ बजा सकते हैं। अगर आप कोई अदर इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं जैसे वायोलिन सितार गिटार या सरोद तो उसके साथ भी आप ये बंदिश सीखने के बाद बजा सकते हैं। बहुत स्वीट बंदिश है, आप ज़रूर सीखने की ट्राई कीजिए और कैसी लगी मुझे ज़रूर से बताइएगा। इस तरह की और बंदिशें और राग में आपके पास आती रहेगी। अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे कि ये कब कब आपके सामने नई बंदिश आ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने हर बार एक नया राग नई बंदिश आपको पेश करता रहूं। इस भोपाली राग की बंदिश के पहले अगर आप 5-10 मिनट भोपाली राग का आलाप भी कर लें और इसके बाद आप थोड़ी सी ताने बजा लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी प्रस्तुति बहुत ही प्रशंसनीय रहेगी, आप किसी को भी इससे इम्प्रेस कर सकेंगे। तो इसके साथ आलाप और तान, कौन सी तान कैसे बजाते हैं, आलाप कैसा बजाते हैं, इसकी भी एक लिंक मैं आपके साथ दूसरी बार पेश करूंगा। और अगर आप चाहें तो ये भी सीख के ये पूरी सीरीज आप कर सकते हैं। भोपाली राग में पूरा 10-15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट का एक पूरा प्रस्तुति आप तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने ये नेक्स्ट टाइम प्रस्तुत करूंगा आलाप और तान, और इसके साथ कुछ कुछ तिहाइयाँ भी आप लगा लें तो तिहाइयों के साथ और भी अच्छा लगेगा।
तो ये बंदिश बहुत ही बढ़िया है। इसकी शुरुआत नौवीं मात्रा से शुरू होती है और अंतरे की शुरुआत पहली मात्रा यानी सम से होती है। ये बात आप खास ध्यान में रखिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी मैं ये प्रस्तुति आपके सामने देता रहूँगा। आशा करता हूँ आप आगे भी सुनते रहेंगे और इससे कुछ सीख पाएंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।